हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हमारा अंशु साथ में ब्लॉग बना रहे हैं, क्योंकि अंशु का फेस देख सकते हैं, उसको कल हल्का सा फीवर था, बट रात को उसको बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, 103 104 वैसे करके फीवर था। अभी भी वैसे ही होगा। हम लोग कल रात भर अंशु का फीवर नाप रहे थे, अंशु के पास ही थे। अभी दवा देने के बाद 101 है, लो हो गया। अभी 101 था, अभी तुरंत नापी, फिर अंशु को खाना खिलाया है, तभी दवा दिए हैं, तभी अंशु रेस्ट कर रहा है। स्माइल करो, अभी नहीं करे, अंशु का मन नहीं कर रहा। तो अंशु, हाँ, उसके पापा कल रात भर जगे थे, तो अंशु भी मतलब बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था। हम लोग कल सबको ही जगे हुए थे। अगर अभी, और आज यहाँ संडे है ना, आज यहाँ सब कोई डॉक्टर नहीं बैठता है, कुछ भी नहीं, तो हमें बस ऐसी दवा ला के दे रहे हैं, और शाम को देखेंगे चाहे कल सुबह, तो हम सब डॉक्टर को दिखाएंगे। कुछ बोलना चाहोगे तुम? नहीं, अभी अंशु पूरा शांत है कल से एकदम। अंशु बीमार पड़ता है ना चाहे रिशु, तो हमको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे साथ यही दो रहता है ना, बात करने के लिए चाहे कुछ के लिए, तो ये दोनों बीमार हो जाते हैं, तो भी हमको अच्छा नहीं लगता। और अभी ऋषि भी अकेले है, तो वो भी उधर ही कहीं बोर हो रहा है। उधर यहाँ फैन नहीं चल रहा, तो ऋषि इस रूम में था नहीं, ऋषि उस रूम में था। तभी अंशु आराम करता और हम जाते फ्रेश होने, नाश्ता करने। चलिए, हम लोग सबको फ्रेश हो गए, सबको नहा वाल, सबको नाश्ता भी कर लिया, बट अंशु का ना मेरा बहुत तबीयत ख़राब है, तो अभी वो है नहीं, वो अभी गया है डॉक्टर के पास, और हम उसका वेट कर रहे हैं। थोड़ा साइड साइड लग रहा है ना, क्योंकि अंशु का ना 103 से नीचे फीवर है ही नहीं, मतलब 103 दवा दे रहे फिर भी 103, और नहीं दे रहे फिर भी 103, और वो पता अंदर से वो वीक हो गया, उसका पूरा ये सब दुख रहा है, पूरा पैर हाथ दर्द हो रहा था। अभी उसके पापा उसको लेके गए हैं हॉस्पिटल, तो अभी हम उसका वेट कर रहे हैं, तो अभी देखते हैं अंशु का क्या होता है, डॉक्टर क्या बोलता है। हमको जैसे लग रहा है ना, मतलब स्कूल में भीग उग जाता है, फिर बताता भी नहीं कि हम भीग गए हैं, खैर उस वजह से होगा। और वैसे वो भी है ना, कभी बरसात हो रहा है तो सबके घर में हो रहा है वायरल फीवर, तो हो सकता है वायरल हो, पता नहीं क्या है। तो अभी डॉक्टर के पास से अंशु आएगा, पता चलेगा। तो यहाँ पे ऋषि अपना बदमाशी कर रहा है, उसके अभी सर पढ़ा के गए हैं, तो ऋषि यहाँ पे दिखता है ना हमेशा, लेकिन जब ऋषि के सर आते हैं ना, तो ऋषि एकदम अच्छा बच्चा बन जाता है, एकदम उस रूम में बिना लैपटॉप का एकदम अच्छा से बैठ के पढ़ता है। और जैसे ही सर जाते हैं, ऋषि अपना वो पहले वाला अवतार में आ जाता है। तो अभी ऋषि का भैया का तबीयत ख़राब है, तो ऋषि का भी थोड़ा टाइम पास नहीं हो रहा, नहीं तो दोनों भाई अपना खेलते रहता है तो ठीक ही रहता है। तो अभी कैसा लगा आपके भैया बीमार है? तो अच्छा लगा, मजा आ रहा है। मानेंगे ना, ये तो बहुत बदमाश है, इसको अपना भाई से नहीं। कैसा लगेगा? खराब ही लगेगा। ये क्या है? कपूर है, कपूर भगवान ये कपूर है, छोड़ो उसको। अरे स्मेल बहुत अच्छा। चलिए अभी हम अंशु का वेट करते हैं, अंशु आता है तो डॉक्टर क्या बोलते तक। आज तो अंशु चावल तो नहीं खाएगा, तो रोटी सुबह बना लेते, फिर अगर अंशु कुछ और खाएगा पानी मांग लीजिए तो मजा आ जाएगा। आ गया अंशु, डॉक्टर को दिखा कर इतना सारा दवा लेके आ गया है। अंशु थोड़ा सा गला में इन्फेक्शन हो गया, उसलिए इतना फीवर आ रहा है, आंख से आंसू निकल रहा। अभी अंशु देखते कितना बुखार है, बुखार नाप के और अंशु को दवा देना, तो अभी देखते कितना बुखार है फिर दवा देंगे। ऐसे इतना बदमाशी करता है, इतना बोलता है ना, बट अभी अंशु शांत चुपचाप। तो अभी अंशु को 104 बुखार है, तो आपको रीडिंग दिख रहा होगा ना, 104। जबकि वो डॉक्टर के पास से आया है। ऋषु 104 बुखार है बेटा भैया को। मम्मी इधर है, मेरे लिए मम्मी पोहा बना रही है, टेस्टी वाला, सब कुछ करी तुम्हारे लिए। एक तो पोहा इधर है, कितना मिनट बन जाएगा? दो मिनट, पोहा में टाइम है। तुम्हारे से भुजिया से निकालो ना। कहाँ? वहाँ भुजिया से ना। ओ
ये इधर प्याज काटी हुई है मम्मी। अभी इसको कहीं जाना है तो जल्दी जल्दी नीचे ले। गठिया भी है आपको तो उसने बताया था गठिया तो वहाँ यहाँ रखे हैं। गठिया उसे बन गया बस से पूछिए तो इसको नीच पर नीचे तो ये निकालना है आपको। हम रिशु का भी इतना हार्ड पड़ी है कि रिशु रुक भी नहीं रहा है। हाँ तो मेरा फेवरेट आइसक्रीम रुके हैं। ऐसे रिशु चावल भी खाता है बट रिशु का फेवरेट है पोहा। रिशु को चावल भी पसंद है बट पोहा तो रिशु का फेवरेट है। अभी पोहा खत्म होने सिर्फ 1 से 2 मिनट लगेगा रिशु का पोहा खत्म हो जाएगा। हाँ और कितना रिशु खाता है पोहा है और सेव पे थोड़ा। हाँ मैं टिम्मी है मेरे साथ। बरसात हो रहा है हल्का है इधर बादल बादल कितना अच्छा लग रहा है ना। ऋषि और ये हम लोग का खराब हो गया फंगस लग रहा है। टिम्मी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो टिम्मी बरसात से भाग रहा है ना टिम्मी आ जा। तो कैंडुला में इतना सारा फूल खिला है इधर 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 इतना सारा। इतना फूल नहीं खिलता है कैंडुला में बट अभी पहली बार देख रहे हैं इतना सारा फूल खिला है। टिम्मी भाग गई थी फिर आ गई है वो रही टिम्मी छुपी हुई। इधर आ चलो भीग जाएगी चलो चलो टिम्मी चल बरसात हो रहा है टिम्मी चल 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 ना टिम्मी टिम्मी आजा 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 चल चल हम जा रहे आजा 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 चल 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 बैठने पर बरसात होने लगा जा रहे नीचे तो ये बरसात स्टार्ट हो गया। अभी स्टार्ट हुआ तब से नहीं था जब हम आए तब। अब हमको झंडा भी खोलना है अभी खोल ही लेते हैं तो खराब हो जाएगा। तो ऋषि अपना भाई का पैर दबा रहा है देखो कितना प्यार करता है ऋषि। टिम्मी का आधा जिंदगी तो यहीं बैठे बैठे पार हो गया। देते खाना तो अंशु ना ब्रेड खाया तो उसको ब्रेड बना के देते हैं और ऋषि और हम रोटी खाएंगे। चलिए ऋषि अंशु को ब्रेड बना देते हैं चाय के साथ खाया कि दूध के साथ पूछ के आते हैं। तो अंशु भी चाय के साथ खाएगा तो अंशु को चाय और ब्रेड और हम ऋषि रोटी और सब्जी भी है चाय भी है कुछ भी खा सकते हैं। चलिए हम ऋषि अंशु को खाना दे देते फिर उसको दवा देना है बहुत सारा। खा लिया अब हम जा रहे खाना खाते। मेरा भी वो रोटी फ्राई था और सब्जी तो चलिए हम खाना खाते आज का ब्लॉग इन करते। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय गुड नाइट।